और सिमडेगा से खबर है जहां मॉब लिंचिंग मामले में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसराजार में हुई थी मॉब लिंचिंग, बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहां पर एक युवक को पहले पीटा गया था और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया था और अब इस सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है, बाकी आरोपियों की भी तलाश चल रही है। आरोप था युवक पर कि वो पेड़ काट कर बेच दिया करता है और उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित थे और देखिए पहले उसकी पिटाई की गई थी और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया था और अब इस सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस वक्त युवक को जिंदा जलाया गया हालात तनावपूर्ण थे लेकिन अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। जी आपके बिल्कुल, देखिए ये जो घटना घटी काफी हृदय विदारक घटना थी और इसमें कई तरह के सवाल भी उठाए गए, पुलिस पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि उसके बाद पुलिस लगातार उस गांव में घटनास्थल में छावनी के रूप में तब्दील की और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी और लगातार छापामारी करते रही और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों की और इसमें संलिप्तता है और हो सकता है कि आज एसपी इन तीनों गिरफ्तारियों की का खुलासा भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसमें और भी कुछ मामले छन के आ सकते हैं। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।